डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसी ऑनलाइन पाठशाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 16 - 5x = 21। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। सबसे आसान मेथड, सबसे पहले सेपरेशन करना है, -5x = 21 - 16। तो -5x = यहां पर आपको क्या मिला, 5। अब देखो, अब इस कॉन्सेप्ट का एक अपना अलग मेथड है। देखिएगा, जब आप इक्वेशन पढ़ रहे थे तो क्या करते थे, इस टाइप पे सॉल्व करते थे, फिर 5x = -5 कर देते थे और x = या फिर आप डायरेक्ट भी कर देते थे 5/-5 और यहाँ पर -1 आंसर आ जाता था। लेकिन अगर आप ऐसा अब करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से करना है। अगर इस टाइप में आपको जिधर अननोन है उस साइड में अगर आपको माइनस नजर आए तो आपको क्या करना है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय -1। ये बात ध्यान रखना कि जब आपको एक्स की तरफ यानी अननोन की तरफ आपको क्या नजर आ जाए, नेगेटिव। मैं इस साइड की नहीं बता रहा, कांस्टेंट की तरफ नेगेटिव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अननोन की तरफ यानी एक्स की तरफ आपको नेगेटिव साइन मिले तो आपको ये लाइन ही यूज करनी है और ये लाइन ईच एंड एवरी क्वेश्चन में फॉलो करनी है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको नजर आता है तो। और वैसे हम काफी क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ आपको भी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो देखिए, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय -1। तो देखो, -1 और -5x और उसके बाद क्या करना है, -1 और उसके साथ 5। एक काम और करना है, जब आप मल्टीप्लाई करो उस टाइम साइन भी चेंज कर देना। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू कर देना, ग्रेटर देन हो तो लेस देन कर देना, और अगर लेस देन हो तो ग्रेटर देन कर देना। ये चीज समझ जाना कि बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय -1 एंड चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये बात याद रखना। उसके बाद इसको और इसको अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 5x, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहां से क्या मिला, 5x, और ये क्या हो गया, -5। अब आप इजीली कर सकते हो, x < -5/5 यानी x < -1 और यहां से क्या आया, x + 1 > 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिए एक बार कि हमने क्या किया है, 16 - 5x = 21 है, इसको सेपरेशन करके इस टाइप में लेके आए। जब आपको अननोन की तरफ नेगेटिव नजर आए उस टाइम आपको क्या करना है, अननोन की तरफ नेगेटिव नजर आए तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय -1 एंड चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो आपने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया और जो ग्रेटर देन इक्वल टू था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लेस देन इक्वल टू में कर दिया, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस बन गया, तो यहां से 5x आया और यहां पर -5 आया। अब आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जैसा इक्वेशन में करते थे। इस 5 को डिनोमिनेटर में ले गए और x < -1 किया तो x + 1 क्या आ गया, इधर लेके आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो x + 1 क्या आ गया, < 0। अब आप देख लीजिए 4, सेम मेथड है लास्ट क्वेश्चन की तरह, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, x + 1 = 0, तो क्या मिला, x = -1। x = -1 आते के साथ आप देखिए क्या करना है, आपको जो नंबर लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें केवल और केवल क्रिटिकल पॉइंट को लेना है, क्रिटिकल पॉइंट के अलावा अन्य किसी भी पॉइंट को यूज नहीं करना है। तो देखिए -1 लिया, अब उसके बाद आप सीधे यहां पे गए, यहां पे देखो क्या है, < = है और less than equal to हो तो आपको क्या करना है, डार्क सर्किल बनाना है
तो इस पर लगा दो ये लो डार्क सर्किल। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ऊपर था वो ग्रेटर देन इक्वल टू में था, आप यहां से नहीं, अब हमारे लिए क्वेश्चन ये बन गया क्योंकि हमने उसको सोल्व करके और ठीक तरीके में अरेंजमेंट कर दिया है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, वो ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाले को तो हमने सोल्व कर दिया है। उसके बाद देखो ये माइनस वन पे क्या कर दिया आपने, डायरेक्ट सर्किल बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि लेस देन इक्वल टू आया है। देखो लेस देन इक्वल टू पे क्या होगा, डायरेक्ट सर्किल। अब प्लस माइनस की बारी आती है, उसको कैसे करोगे? देखो अब इस x प्लस वन में माइनस वन से कोई भी ग्रेटर देन रखो, मान लो मैं फाइव रख देता हूं, तो फाइव प्लस वन क्या होगा, सिक्स। सिक्स किसका है, पॉजिटिव का, तो लो पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, माइनस इंफिनिटिव से माइनस वन, मैं माइनस टू रख दू, माइनस टू माइनस वन से लेस देन होता है, तो माइनस टू प्लस वन क्या होगा, माइनस वन, और माइनस वन किसका आ गया, नेगेटिव का। आप वैल्यूज रखो, डायरेक्ट पता लग जाएगा। उसके बाद देखो लेस देन इक्वल टू में क्या, कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव का साइन। कौन सा साइन, नेगेटिव का साइन। देखिए लेस देन इक्वल टू नेगेटिव साइन, इसका मतलब हमारा आंसर होगा तो ये होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब आप लिख सकते हो x belongs to माइनस इनफिनिटिव से माइनस वन, और माइनस इनफिनिटिव पे क्या आएगा, देखो इनफिनिटी हो या माइनस इनफिनिटी हो, आपको क्या कौन सा ब्रैकेट यूज करना होता है, स्मॉल वाला ओपन इंटरवल, तो आपने ये ओपन इंटरवल लगाया। अब माइनस वन पे जाओ, माइनस वन पर कैसा है, डार्क सर्किल, और डार्क सर्किल जब होता है तो कौन सा यूज करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, तो आप यहां पे क्या करोगे, ऐसा। तो इसका मतलब इसका यही क्या है, फाइनल आंसर है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है।